अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, स्वयं में परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसे कहेंगे महारथी। महारथी आत्माओं के अंदर सदा यही संकल्प चलेगा कि जो भी समय है वह सेवार्थ ही देना है, लेकिन घोड़े सवार और प्यादों का समय खुद के प्रति ज्यादा जाएगा। खुद ही कभी बिगड़ेंगे, कभी धारणा करेंगे और कभी धारणा में फेल होते रहेंगे। कभी तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, कभी साधारण, यानी स्वयं के प्रति उनका समय ज्यादा जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, खिलौना बनाएंगे भी, उनसे खेलेंगे भी और फिर बिगाड़ भी देंगे। लेकिन महारथी आत्माएं ऐसा नहीं करेंगे। वह तो अपनी देह या शरीर के आवश्यक कार्यों में समय लगाते हुए भी मनसा सेवा साथ साथ करते रहेंगे। बाबा ने कहा, देखो भक्ति मार्ग में भी महादानी उसको कहते हैं जो अपना सारा समय और अपनी हर वस्तु को स्वयं के प्रति नहीं बल्कि औरों को दान पुण्य करने में लगाते हैं। ऐसे ही तुम्हें भी स्वयं के प्रति समय देते हुए सदा यही समझना है कि मैं विश्व सेवा पर हूँ। जैसे जब स्टेज पर बैठते हो तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता है ना, ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, तभी परिवर्तन होगा। जो भी कुछ स्वयं में कमजोरी महसूस होती है वह सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सेवा के फलस्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से जो आशीर्वाद निकलती है, गुणगान होता है, उस प्राप्ति के आधार से खुशी मिलती है और इस खुशी के आधार से और भी बिजी रहने का संस्कार बन जाता, जिससे धीरे धीरे कमी समाप्त होती जाती। बाबा ने कहा, महारथी आत्माओं की याद की यात्रा का समय भी सिर्फ स्वयं प्रति नहीं होता बल्कि सर्व के कल्याण और सर्व की सेवा प्रति होता है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।